जोधपुर शर्मा की गजल लाएगा, हु विल एवर लाइक गिव मी दैट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर हुई टिप्पणी से जुड़ी हुई आ रही है। नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणी के बाद देश का माहौल कैसा रहा, यह आपसे अच्छा किसी ने नहीं देखा। देश की जनता ने देखा कि कैसे विशेष धर्म के कुछ कट्टरपंथियों ने इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश की, पैगंबर के नाम पर कैसे अपनी नाजायज जिद को मनवाने की कोशिश की। ऐसे में नुपुर शर्मा मामले में पहले ही कट्टरपंथी जिहादियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। अभी देश की जनता इन मामलों से सही से सुलझ भी नहीं पाई थी कि अब देश की जनता के सामने एक नया मामला आ गया। अब तक देश की जनता नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों का सिर कलम होते देख रही थी, नुपुर के समर्थन करने वालों का हत्या कर वीडियो वायरल होते देख रही थी, लेकिन अब नुपुर शर्मा के सिर काटने वाला वीडियो सामने आ गया है। जी हां, फिर से एक जिहादी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको आज हम अपनी इस खबर में आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे नुपुर शर्मा के लिए कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी पूरे देश में चहर फैला रहे हैं। और इस वीडियो में नुपुर शर्मा का सिर काट कर लाने वाले पर इनाम घोषित कर रहे हैं, अपना मकान तक इनाम के रूप में देने की बात हो रही है। अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के एक खादिम का वीडियो सोशल मीडिया पर इस बीच जमकर वायरल हुआ है। इस खादिम की पहचान सलमान चिश्ती के रूप में हुई है। वीडियो में वह भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को क्या कह रहा है और क्या हश्र मना रहा है, जरा आप खुद देखिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में चिश्ती नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपना मकान और संपत्ति तक देने का ऐलान कर दिया। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल उब्दीन अली खान ने दावा किया था कि भारतीय मुस्लिम देश में तालिबानी मानसिकता को कबूल नहीं करेंगे। ऐसे में इस खबर को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस देश के कुछ विशेष धर्म के कट्टरपंथी, एक तरफ जहां इस देश में मुस्लिमों का अच्छा रूप दिखाने की कोशिश करें, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के इसी अच्छे शक्ल के रूप में इतने बड़े बड़े कांड कर देने। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर रखिएगा। सलमान चिश्ती, जिसने नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दी और उसका सिर कलम करके लाने वाले को इनाम देने की बात कही है, वो एक हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। उसके खिलाफ 13 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी हैं। वीडियो में सलमान चिश्ती कहता दिख रहा है कि वक्त पहले जैसा नहीं रहा, वरना वह बोलता नहीं। आगे वह कहता है कि कसम है मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं उसे गोली मार देता। और आज भी सीना ठोक कर कहता हूँ, जो भी नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा मैं उसे अपना घर दे दूंगा और रास्ते पर निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान। इसके अलावा उसने खुद को ख्वाजा का सच्चा सिपाही बताया और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने 17 जून को दरगाह के बाहर निकाले गए मौन जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें गुस्ताखे रकूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे तक लगाए गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान चिश्ती के खिलाफ अजमेर शहर के अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिले के एएसपी विकास संगवान ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी तलाश जारी है।
यह भी बताया जा रहा है कि सलमान चिश्ती की लोकेशन कश्मीर बता रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास संगवान ने कहा कि उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भी मिला है। इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। वीडियो में सलमान चिश्ती नशे की हालत में नजर आ रहा है। इस संबंध में पुलिस ने दरगाह और अंजुमन के अधिकारियों से भी बात की है। सलमान चिश्ती दरगाह थाना क्षेत्र के रहने वाला है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में वीडियो पोस्ट करने वाले कन्हैया लाल की हत्या के बाद अजमेर दरगाह दीवान जैनुल अब्दीन अली खान ने कहा था कि भारत के मुस्लिम देश में कभी भी तालिबानी मानसिकता को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा था कि कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। विशेष रूप से इस्लाम में सभी शिक्षाएं शांति के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। खान ने कहा कि आरोपित कुछ कट्टरपंथी समूहों का हिस्सा थे जो हिंसा के रास्ते में ही समाधान ढूंढते हैं। एक तरफ जहां दरगाह के प्रमुख अमन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी दरगाह का खादिम नुपुर शर्मा को मारने के लिए मुस्लिमों को उकसाता है। ऐसे में इन मुस्लिम धर्म गुरुओं का जो दोहरा रवैया है और राजनीति है, ये देश और दुनिया के सामने आ गई है। आपको बता दें कि ये जो सलमान चिश्ती है जिसने नुपुर शर्मा को धमकी दी है और इनाम की घोषणा की है, वो एक शीटर भी रहा है। उसके खिलाफ करीब 13 से ज्यादा अधिक मामले हैं। इनमें हत्या से रिलेटेड जितने भी गंभीर अपराध हैं सब शामिल हैं। वैसे अपराध से दरगाह के खादिमों की संलिप्ति नहीं है। देश के सबसे बड़े सेक्स कांड में भी दरगाह के खादिम घेरे में थे। यह घटना करीब 30 साल पुरानी है। 1992 में अजमेर में 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को फंसाकर रेप किया गया। अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल कर उनसे कहा गया कि वे अन्य लड़की को फंसाकर लाएं। इस तरह से पूरा रेप चेन सिस्टम बनाया गया था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती इस कांड के मुख्य आरोपी थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक उस समय इंडियन यूथ कांग्रेस के अजमेर यूनिट का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती कांग्रेस के अजमेर यूनिट का उपाध्यक्ष था। अनवर चिश्ती अजमेर के में पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। साथ ही तीनों अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी थे। इस तरह से उनके पास राजनीतिक और मजहबी दोनों ही ताकतें थी। बताया जाता है कि आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील तस्वीर उतारी और अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड से रेप के बाद उसकी अश्लील तस्वीर निकाल ली और लड़की को अपने सहेलियों को लाने के लिए कहा गया। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। बाद में तो पुलिस ने भी माना कि उन्होंने जानबूझकर खादिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा। ऐसे में इस पूरी खबर में आप साफ समझ सकते हैं कि कैसे ये जो दरगाह में काम करने वाले चिश्ती परिवार है, ये सब के सब पहले से ही आरोपी थे। इन लोगों पर आज तक राजस्थान पुलिस या राजस्थान सरकार ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन वही हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इन मुद्दों को ना ध्यान में रखकर सीधा सीधा नुपुर शर्मा को इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार ठहरा देता है। आज हमारा ये सवाल आप सभी दर्शकों से है कि ये हमारी न्याय व्यवस्था को क्या हो गया है और क्या ये हमारी न्याय व्यवस्था सही से काम कर रही है। इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।